जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य आर्य डिफेंस एकेडमी मेरठ से। और आपकी 6 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें मैंने संख्या पद्धति के बारे में आपको पढ़ाया और दूसरी क्लास में मैंने आपको सरलीकरण का पढ़ाया। सरलीकरण की मैंने 2 क्लास ली आप लोगों की, जो कि बहुत बेसिक से ली। कुछ बच्चों के कमेंट आए कि सर थोड़ा सा एडवांस पढ़ा दीजिए। आप सब्र करो, पहले स्टार्टिंग में बेसिक से कर रहा हूं। धीरे 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 जब आपका बेस बनना शुरू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ में मैं इसी के बेसिक से हार्ड लेवल और उससे हार्ड लेवल मतलब लेवल बढ़ाता हुआ लेकर चलूंगा। पहले आप बेसिक कीजिए, ये गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं तो यहां से पढ़कर आपको 13-14 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जो मेरा पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस मैं यहां भी ऑनलाइन पर भी दे रहा हूं। क्योंकि क्या होता है कि बेसिक पढ़ाने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, एडवांस पढ़ाने वाले तो बहुत सारे टीचर्स हैं और मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो आप वहां भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आपका एडवांस भी नहीं पढ़ पाओगे। तो एक बेसिक क्लास लेकर फिर चलते हैं नेक्स्ट। आपका आज का टॉपिक है दशमलव मतलब डेसिमल। डेसिमल क्या होता है कि सबसे ज्यादा बच्चों को यहां प्रॉब्लम आती है और हर चैप्टर के लिहाज से डेसिमल क्या है एक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि आपको हर जगह कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कहीं आपकी पॉइंट की कैलकुलेशन आएगी मतलब दशमलव की कैलकुलेशन आएगी। तो आज इसी तरह के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए, जिसमें जोड़ घटा गुणा भाग और बोर्ड मास के नियम भी फॉलो होंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन चलते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए आपके फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मतलब पहला क्वेश्चन क्या है, 32.03 और प्लस करना है 6.21। मतलब 32 में क्या करना है, मैं ऐड करना है मतलब प्लस करना है। इसमें एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप दशमलव के कोई क्वेश्चन करते हैं, दशमलव के कोई क्वेश्चन करते हैं, मान लो ये लिखा आपका 32 लिखा हुआ है, मान लो ये आपका 32 है, 32 है, 32 में 0.2 को 32.03 में आपको प्लस करना है 6.21 में। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो हमारा पॉइंट है पॉइंट की सीध में आना चाहिए, मतलब 6.21। पॉइंट अगर सीध में नहीं आया मतलब 32.03 आपने लिख दिया और इधर लिख दिया 6.21, तो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। यानी कि क्या मैच करना है, पॉइंट की सीध में पॉइंट होना चाहिए आपका और फिर इसको जोड़ दीजिए प्लस कर दीजिए। अगर प्लस का निशान है तो आपको प्लस करना है। अब क्या करें, इधर से प्लस करो, 3 में 1 जोड़ दिया तो 4 और 2 का 2, क्योंकि 2 में 0 जोड़ो तो कितना हुआ, 2 ही हुआ पॉइंट, क्योंकि पॉइंट की सीध में क्या है आपका पॉइंट है मतलब दशमलव की सीध में दशमलव। और 6 में 2 को जोड़ दिया 8 और 3 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 3 का 3 यानी कि 38.24। मतलब क्या करा, सबसे पहले चेक करें भाई, देखो क्वेश्चन में कि 32.03 प्लस करना है 6.21, तो 3 और 1 4, 2 का 2 पॉइंट, 6 और 2 8 3। तो क्या किया, अपना सिंपल सा प्लस किया। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है भाई कि 600 में हमें जोड़ना है 6.06। अब इसमें क्या है कि 600 के बाद पॉइंट नहीं बन रहा है, जब 600 के बाद पॉइंट नहीं बनना है और अगले में क्या है 6.06 को जोड़ना है, तो क्या किया हमने 600 लिख दिया पूरा, 600 लिख दिया और पॉइंट नहीं बन रहा। जब पूरी हमारी संख्या पूरी हो जाए तो उसके बाद पॉइंट लगा लो और यहां एक जीरो बढ़ा दीजिए आप। और क्या करना है, हमें जोड़ना है ऐड करना है 6 पॉइंट, किसको, 6.06 को। अब पॉइंट के सीध में हमें क्या रखना है पॉइंट, तो पॉइंट के सीध में देखो 6.06। इस बात का आप ध्यान रखें, जब आप बेसिक सीख रहे हैं तो पॉइंट की सीध में आपका पॉइंट आना चाहिए। अगर पॉइंट आपका डगमगा गया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, यहां कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो आप रख सकते हैं। जब 6 में 0 को जोड़ा तो 6 आया, 0 में 0 को जोड़ा तो 0 आया पॉइंट, और 6 में फिर इधर पॉइंट से इधर लिख रहा वैल्यू पर आए, 6 में 0 जोड़ा तो 6 आया 0 और 6।
तो आपका आंसर देखो बड़ा ही सिमिलर मैच हो रहा है, सारे के सारे ऑप्शन जो हैं एक दूसरे से मिलते हुए चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपने क्वेश्चन भी सही कर दिया और थोड़ा सा आपका पॉइंट इधर उधर हो गया तो आपके दो नंबर जा सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान क्या रखना है, हमें क्वेश्चन को इस हिसाब से करना है कि हमारा क्वेश्चन तो क्लियर हो जाए, क्लियर के बाद आपको अपना ऑप्शन भी चेक करना है। देखो तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया 600.60, सेकंड में 6.066, थर्ड में 606.06। देखो ऑप्शन सारे सेम है लेकिन पॉइंट की स्थिति और कंडीशन संख्याओं की ध्यान रखनी है। तो थर्ड सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा सही है, क्योंकि 606.06 सेकंड में बना कि थर्ड में बना, तो थर्ड में बना तो थर्ड ऑप्शन क्या हमारा सही है। तो अभी पहले चले हम चले जो हुए हैं प्लस के क्वेश्चन पर चले हुए हैं, प्लस के बाद क्या करेंगे अपने माइनस के क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्लस का ही क्वेश्चन है। 1+.1+.01+.001। अब मैंने एक बात बताई कि भाई पॉइंट की सीध में पॉइंट रखना है, लेकिन एक में तो पॉइंट नहीं है, एक में जब पॉइंट नहीं है तो एक के बाद पॉइंट बना लीजिए आप और जीरो लिख दीजिए। फिर अगला क्या करो, प्लस करना है, प्लस करना है किसको, पॉइंट एक को। तो पॉइंट की सीध में पॉइंट की सीध में क्या है पॉइंट, आपका पॉइंट एक। नेक्स्ट क्या लिखा आपने, पॉइंट जीरो एक और नेक्स्ट क्या है पॉइंट 001। तो क्या करना है, इसको प्लस करना है और जहां पर कोई वैल्यू नहीं है तो आप वहां जीरो रख सकते हैं, आप जीरो रख सकते हैं वहां पर, क्या रख सकते हैं जीरो। तो ये हमारी वैल्यू बन गई, अब इसको ऐड करना है। इस तरह का आर्मी के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पॉइंट का उलझन हो जाता है जिससे हमारे क्वेश्चन के गलत होने के चांस हैं। आप छोटा छोटा बेसिक करते हुए सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन का बेसिक समझे, बेसिक के बाद आप कितने ही एडवांस क्वेश्चन पर चला जाओ अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो क्या होगा, आपका एडवांस भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। और सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब आपको एक पेन और कॉपी, रब कॉपी ले। एक दो बच्चे ने मेरे पास नोट्स भेजे कि सर मैं आपकी रेगुलर क्लास ले रहा हूं और वो बहुत अच्छे नोट्स लगे कि वो हर एक क्वेश्चन को क्या कर रहा है अपनी पहले रब कॉपी में उतार रहा है और रब के बाद फेयर में उतार रहे हैं। और मुझे पक्का उम्मीद है कि वो बच्चा जब भी अब की बार अग्निवीर का आर्मी जीडी का पेपर होगा उस पेपर को फाइट करेगा। हम लोगों की बेस्ट दोस्त के साथ है और वो एक नहीं बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो मेरे पास और नीलेश भाई के पास इस तरह के अपने फोटो खींच कर भेज रहे हैं। तो दोस्तों ये देखकर हम लोगों को और भी एक्साइटमेंट आता है कि ऐसे बच्चे जो वाकई में घर से नहीं निकल पाते, 11th और 12th के बच्चे हम लोगों के पास कॉल कर रहे हैं कि सर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हो और ऐसा ही पढ़ाते रहना जिससे क्या होगा अगले एक महीने में हमारा स्ट्रांग हो जाएगा मैथ्स। बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा जो मैथ्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, कहीं बहुत सारी एप्स पर हम पढ़ लिए, बहुत सारे टीचर से पढ़ लिए लेकिन बेसिक में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी तरह की बेसिक क्लास को लेकर मैं और नीलेश भाई आप लोगों के बीच आए हैं। तो बिल्कुल बेसिक से आपकी क्लास चलेगी, बस आपको करना क्या है, पेन लेना है और रफ रजिस्टर लेना है और इन क्वेश्चन को लगाते हुए जाना है और फिर इन्हीं क्वेश्चन को फेयर नोटबुक में उतारना है। देखना आप एक महीना दीजिए, 30 दिन दीजिए और 30 दिन के अंदर आपका मैथ्स इंप्रूवमेंट होगा और उसके बाद आपके बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे, मतलब हाई लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे जो आपके आर्मी के लिहाज से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 में से 10 क्वेश्चन आपके बेसिक से ही आते हैं। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन, प्लस करना है तो क्या किया भाई, एक का एक, एक एक में जीरो जोड़ा तो एक, एक में जीरो जोड़ा तो एक और पॉइंट की सीध में पॉइंट एक, यहां कोई वैल्यू नहीं तो यहां जीरो आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिखे तब भी चलेगा। तो एक, क्योंकि एक में जीरो जोड़ा तो एक, तो आपका आंसर 1.111। अब सारी वैल्यू इसी तरह की है लेकिन हमारा आंसर क्या है, डी हमारा आंसर सही है, डी क्या है सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो 0.6, देखो पहला क्वेश्चन आसान था, धीरे 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 क्वेश्चन की क्या हुई, रेंज बढ़ती हुई चली गई प्लस में भी। अब क्वेश्चन क्या है 0.6, क्वेश्चन है आपका 0.6, फिर है 0.66, फिर है 0.066 और फिर आपका पॉइंट की सीध में क्या पॉइंट, बस यही गड़बड़ हमें नहीं करनी है, पॉइंट की सीध में हमको पॉइंट ही रखना है 6.606।
ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखे दोबारा, 0.6 मतलब 6 और 6, फिर 0.066, फिर लास्ट में क्या है 6 पॉइंट, मतलब वहां पॉइंट है, बाकी क्या करना है 6 को इधर लेकर आए, 606, 6 में 6 को ऐड किया 12, हासिल लगा 1, 6 और 6 12 और 1 हासिल का 13 का 3, हासिल लगा 1, 6 और 6 12 और 6 18 और हासिल का 1, हासिल मत भूलना, हासिल का 1 तो 19, फिर 1 हासिल बच गया इधर, और 6 में जब 0 0 0 और 1 जोड़ा तो 6 में 1 जोड़ा तो कितना आया 7.932, 7.932 क्या है आपका राइट आंसर है, क्या भाई राइट आंसर आपका क्या है, सी आपका राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पांचवा क्वेश्चन। अब फिर क्या कहा, देखो चार क्वेश्चन जो थे आपके प्लस के थे, प्लस के बाद हम चलते हैं माइनस के क्वेश्चन पर, प्लस बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, तो नेक्स्ट चलते हैं माइनस की तरफ, क्योंकि मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपको प्लस के दिए और 3-4 क्वेश्चन ही आपको माइनस के दिए हैं। तो पहला माइनस चलते देखो 100.02 और माइनस करना है 93 पॉइंट, देखो पॉइंट की सीध में पॉइंट, तो 93.8705। अब यहां कोई वैल्यू नहीं है, करना क्या है माइनस करना है, और वहां जब कोई वैल्यू नहीं है तो अपनी तरफ से हम जीरो बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं जीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वैल्यू को क्या कर दिया पूरा कर दिया। अब क्या करो, जीरो में से 5 को घटाओ, नहीं घटता, तो इधर से हासिल गई 10 की, हासिल गई 10 बना 10 में से 5 गया तो 5। बस ये सोचो माइंड में, पॉइंट को मत ले कुछ देर के लिए, सोचो कि जस्ट डायरेक्ट ही माइनस हो रहा है। अब 9 में से 0 तो 9, अब यहां 1 बचा, 1 में से 7 नहीं घटता, तो इधर से क्या गया हासिल गया 11 हो गए, 11 में तो 7 गया तो 4 बच गया, फिर यहां हासिल गया था तो यहां 9 हासिल बचे थे, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, फिर यहां हासिल चला गया था तो 10 में से 10 9 थे, मतलब यहां क्योंकि हासिल इधर चला गया था, 9 में से 3 गया तो 6 और 9 में से 9 गया तो 0, यानी कि 06 मतलब 6.1495 भी आप इसको लिख सकते हैं, 6.1495 भी आप इसको लिख सकते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, सी ऑप्शन क्या है दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, 7 माइनस, 7 में से क्या करना है माइनस करना है। अब 7 के पीछे देखो एक चीज चेक कीजिए आप, 7 के पीछे माइनस नहीं है तो क्या करना है, 7 के पीछे माइनस है सॉरी, और पॉइंट नहीं है तो पॉइंट बना लीजिए और एक जीरो बढ़ा दीजिए, फिर क्या है 3.25 मतलब 3.25। अब यहां कोई वैल्यू नहीं है तो एक जीरो लगा लीजिए, मतलब ये बन गया 7.00 और माइनस करना है 3.25 को, तो इधर से एक हासिल लिया, जीरो से 5 नहीं घटता तो क्या किया हासिल लिया, और 10 में से 5 गए तो कितना बचा 5, कितना बचा 5। अब यहां 9 बचता है क्योंकि उधर हासिल चला गया था इधर से, तो 9 में से 2 गया 7 बचा, और यहां जब यहां 7 था, 7 में से 1 वैल्यू उधर गई तो 6 वैल्यू बच, 9 वैल्यू 6 वैल्यू बची, और 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 3.75 आपका, 3.75, तो ऑप्शन डी क्या आपका करेक्ट आंसर है। एक बार दोबारा चेक करें, क्या किया हमने, 7 में से माइनस करना है, 7.00 हमने लिख दिया, इसको माइनस करना है 3.25, देखो यहां 10 इधर से हासिल लिया तो 10 हो गया, और 10 में से 5 को माइनस किया तो 5 बचा, फिर यहां हासिल गया था तो यहां 9 का हासिल लग गया था, तो 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, और यहां से 7 में से 1 हासिल चला गया था तो 6 बचे, और 6 में से 3 को घटाया तो 3, यानी कि 3.75 आंसर डी क्या आपका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, 3.1। अगर किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, कोई डाउट होता है, तो वो अपना कमेंट में भेज सकता है, नेक्स्ट सेशन जो भी होगा उसमें मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। 3.1 मतलब 3.1 और माइनस करना है कितना 1.008। अब यहां कोई वैल्यू नहीं है तो हम 0 0 0 कर दिया, मतलब 3.10 और 0। अब क्या करा, 10 में से 8 को माइनस किया दोस्तों तो 2 बचा, और जब यहां हासिल गई थी तो 9 बचा, 9 में से 0 गए तो 9 बचा, और यहां कितना बचा 1, तो यहां कितना बच गया, जब
जीरो में से जीरो घटा तो जीरो ही बचा भाई पॉइंट, यहाँ तीन में से एक गया तो दो बचा, कितना बचा दो, मतलब 2.092 क्या है आपका राइट आंसर है, 2.092। अब चेक करो डी वाले में कंफ्यूजन है, 2.0992 इसमें क्या है 2.092, एक बार ऑप्शन को भी सही से पढ़ लेना कि हमारा राइट आंसर क्या बनता है। 3.1 हमने क्या किया जीरो और जीरो बढ़ा दिया, फिर माइनस किसको करना है 1.008 को, 10 में से 8 गया तो 2 बचे, 9 में से 0 गई तो 9 बचा, और 0 में से 0 गया तो 0 ही बचता है भाई, और यहां 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका आठवां क्वेश्चन। आप लोग क्या करें भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखते हुए जा रहे हैं इधर बराबर में लिखते जाएं और सोल्व करते जाएं, अगर सोल्व नहीं होता फिर इधर देखते हुए जाएं, और इसके बाद क्या करें अपना फेयर नोटबुक बनाएं जो आपको और आपके छोटे भाई बहन को बड़ी हेल्प करेगा मैथ्स का बेसिक सीखने में, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग, क्योंकि किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो हर एक काम स्ट्रांग होगा, यानी कि पिलर हमारा मजबूत है तो सभी काम हमारा स्ट्रांग होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 32.47 माइनस किया 21.8756। तो जब यहां कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो और जीरो लगाया, अब देखो 32.4700 में से माइनस करना 21.8756, तो इधर से हासिल गई 7 से तो ये बना 10, 10 में से 6 गया तो 4 बना, और यहां एक कम रहेगी 9 हासिल रहेगी, 9 में से 5 गया तो 4 बना, अब यहां 7 था एक चला गया था तो 6 बच गया, इधर से हासिल ली 16 और 16 में से 7 गया तो 9 बचा, 16 से 7 गया तो 9 बचा, फिर 3 बचा यहां क्योंकि हासिल इधर चला गया था तो यहां से हासिल ली 13, 13 में से 8 गया 5 पॉइंट। अब यहां कितना बचा भाई, 2 थे एक चला गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 और 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 10.5944। दोबारा चेक करें, 32.4700 था, माइनस करना है 21.8756, तो इधर मतलब 0 से 6 नहीं घटता तो हासिल ली 10, 10 में से 6 गया 4, यहां बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यहां 6 बचा और 6 में से 7 नहीं घटता तो इधर से हासिल ली 16, 16 में से 7 गया 9, और यहां एक हासिल चला गया था तो 3 बचा, और इधर से हासिल ली 13 में से 8 गया 5, और एक बचा यहां, एक में से एक गया 0 और 3 में से 2 गया 1, 10.5944 आंसर ए क्या है हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब की बार दो बार माइनस दिया है। देखो कर तो हम बोर्ड मास के साथ भी सकते हैं इसको, बोर्ड मास क्या मतलब बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन सब्ट्रैक्शन ना, इस तरह सारे के सारे ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहां दो माइनस के सिंबल दिए, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी तक क्या कर रहे थे हम, एक बार माइनस कर रहे थे, पहले क्या करो आप 616.08 में से पहली वैल्यू घटा लो और जो हमारा बच कर आता है उसमें से सेकंड वैल्यू घटा लो, आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 416.08 माइनस 107.19 क्या करा, 416.08 से माइनस किया 107.19 को, तो इधर से भाई 8 से 9 नहीं घटता तो इधर से हासिल ली 18, 18 से 9 गया तो 9 बचा, 18 से 9 गया 9 बचा, अब यहां 9 बचा था क्योंकि एक हासिल इधर चला गया था, 9 में से 1 गया 8 पॉइंट, इधर 6 बचा था, 6 था हासिल गई थी तो 5 बच गया, 5 में से 7 नहीं घटते इधर से हासिल ली तो 15 से 7 गया 8 बचता है, और 0 से 0 गया 0 और 4 में से 1 गया 3, 308.89। अब गलती मत कर देना 308 को चेक करके कि आंसर तो मैच नहीं हुआ भाई, आंसर अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अगली वैल्यू भी तो 9.9 भी तो माइनस करनी है। दोबारा देखो 416.08 से माइनस कर देना है 107.19 को, 18 में से 9 गया 9,
नौ में से एक गया आठ, इधर से असली पंद्रह में से सात गया आठ, और जीरो में से जीरो गया जीरो, चार में से एक गया तीन, यानी कि 308.89 आया। लेकिन अगली वैल्यू भी तो भाई माइनस करनी है, तो 308.89 में से माइनस कर दीजिए 9.9। मैंने क्या बताया आपको, पॉइंट की सीध में आपको क्या रखना है, पॉइंट रखना है और इसको माइनस करना है। 9 से 9 गया, 9 से 0 गया तो 9, भाई 8 में से 9 नहीं घटते, तो इधर से हासिल ली 18 में से 9 गया तो 9 बचा, पॉइंट 8 है यहाँ लेकिन हासिल चली गई थी तो 7 बचा, 7 में से 9 नहीं घटते तो इधर से हासिल ली 17, 17 में से 9 गया तो बचा आपका 8, कितना बचा 8, और यहाँ कितना बचा था 9, और ये कितना बचा 2, क्योंकि एक हासिल उधर चला गया था, तो आपका हो गया 298.99 आपका बी आंसर क्या है सही है। मतलब दोबारा चेक करें, पहले 416.08 से 107.19 घटा लो, और घटाने के बाद क्या है आपका 308.89 है। अब 308.89 से घटा लीजिए 9.9 को, घटाओ भाई 298.99, यानी कि बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फिर क्या किया, अब की बार दे दिया बड़ी संख्या सी दे दी, पहले प्लस है और फिर माइनस है, तो क्या करो पहले इधर दोनों संख्या को क्या कर लो आप प्लस, यानी कि जिन दो संख्याओं के बीच में प्लस का निशान है उनको प्लस कर दीजिए। 326.25 में प्लस कर दो आप 274.75, 326.25 में प्लस कर दो 274.75, तो 5 में 5 को जोड़ा 10, 7 में 2 को जोड़ा 9 और एक हासिल का 10, मतलब यहां एक हासिल आ गया था भाई, 10 हो गए 0, एक हासिल आ गया, 6 और 4 10 और एक हासिल का 11 का एक हासिल 1, 7 और 2 9 और एक 10 का 0 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, 601.00। अब क्या किया, माइनस करो आप 601.00 से माइनस करो आप 150.50, 0, 10 में से 5 गया 5, 0, 10 में से 5 गया तो आपका बचा 5, और 5 में से गया 4, 450.50 क्या है हमारा सही आंसर। अब दोबारा एक बार भाई चेक कीजिए इसको, क्या करना है भाई, 326.25 में इसमें पहले क्या करो आप, इस संख्या को प्लस कर लो, क्योंकि इनके बीच में क्या है प्लस का निशान है, 5 और 5 10 का 0, 7 और 2 9 एक हासिल 10 का 0 एक हासिल, 6 और 4 10 और एक हासिल का था तो 11 हो गया, फिर एक हासिल 7 और 2 9 और एक 10 का 0 तो हासिल कितना 1, 3 और 2 जोड़ लिया 5 और एक हासिल का 6, 601.00। अब माइनस क्या करना है 150 पॉइंट, क्योंकि धरली वाली को माइनस करना है, 601.00 से माइनस करना है 150.50, 0 से 0 गई तो 0 बचा, इधर से हासिल ली 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, पॉइंट हासिल एक था, हासिल चली गई थी उधर तो कुछ नहीं बचा, तो मतलब 0, और 0 से 0 गया 0, इधर से हासिल 10, 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 1 गया बचा आपका 4, तो 450.50। देखो ये डी ऑप्शन क्या है सही है, 450.5 है, अगर पीछे 0 नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई संख्या अगर कोई भी संख्या अगर पूरी हो जाए, कोई भी संख्या अगर पूरी हो जाए मतलब 450.5 और उसके बाद संख्या के बाद कोई जीरो हो तो उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका डी आंसर क्या है सही आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों अभी तक हमने दो तरह के क्वेश्चन किए, एक तो किए प्लस के और एक किए माइनस के।
प्लस में क्या था, सिंपल थिंग थी, और माइनस में भी सिंपल, थोड़े थोड़े बढ़ते हुए चले गए। पहले आपका बेसिक होना जरूरी है, अगर बेसिक स्ट्रांग हो गया तो सेकंड स्टेप पर हम एडवांस भी चले जाएंगे, उस चीज की टेंशन आपको नहीं लेनी। वो टेंशन हमारी है कि आपका एडवांस कैसा स्ट्रांग कराना है। बस आपसे यही उम्मीद है कि आपको जो सबसे पहले बेसिक कराया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए, और बेसिक के बाद मैं गहरे 100% वादा करता हूं आप लोगों से, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी एडवांस आएगा आर्मी के लिहाज से, मैं वो क्लासेस कराऊंगा जो पिछले 10 साल के अंदर कोई भी आर्मी के लेवल पर पेपर में क्वेश्चन आया, हर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, हर क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आप लोगों की तैयारी मैथ्स के लेवल पर इस तरह की लेकर जाएंगे, एक बेसिक से चल के किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन आए, वो गारंटी हम दोनों की है, मेरी और नीलेश भाई की है, कि आपको हर वो मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, जो आपके लिए 100% आपको आपकी वर्दी तक पहुंचाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, दो चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, प्लस और माइनस। नेक्स्ट चलते हैं आपका गुणा, गुणा के क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, मल्टीप्लाई। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12.5 को गुणा करना है 6.5 से। क्या करना है, 12.5 को गुणा करना है 6.5 से। कुछ टाइम के लिए आप ये सोचो कि इसमें पॉइंट नहीं है, क्या नहीं है, पॉइंट नहीं है, और बस हमें डायरेक्ट गुणा करनी है इसकी। तो 5 का 5 से गुणा, 5 5 25, 2 हासिल, 5 2 10 और 2 हासिल के 12, 1 हासिल अगली तरफ लग गया, 5 1 5 और 1 6। गुणा का निशान पहली वैल्यू के नीचे क्या करते हैं, गुणा का निशान, फिर 6 की गुणा 5 से, 6 5 30, हासिल लगे 3, अब 3 हासिल के हो गए आपके, 6 2 12, 12 और 3 15, अब हासिल 1, 6 1 6 और 1 7, 750। अब क्या करो, इन दोनों वैल्यू को क्या कर दो, जोड़ दो, तो क्या हुआ, 5 2, 6 और 5 11 का 1 का हासिल लगा 1, 7 और 1 मतलब 1 हासिल का, 7 और 1 8, तो 8125, 8125। अब इतना तो कर लिया, क्या किया हमने, सिंपल गुणा की, सीधी सीधी गुणा की। अब क्या करना है, पॉइंट के स्थान को गिन लीजिए। देखो एक अंक पे पॉइंट यहाँ है और एक अंक पे यहाँ है, तो 1 और 1 2, दो अंकों पे 1 और 1 2, और इधर से काउंट करके आप दो अंकों के पास पॉइंट लगा दीजिए 1 और 1 2, यानी कि इन दोनों के बीच में हमारा पॉइंट लग गया, तो 81.25, 81.25 बी आंसर के आपका परफेक्ट है, सही आंसर होंगे। और 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं, 0.0056 और गुणा किया हमने 0.47 का। तो क्या किया, पहले 7 की 6 से गुणा करो, 7 6 42 का 2 का हासिल आपके 4, 7 की गुणा 5 में, 7 5 35 और 4 हासिल के, 35 और 4 39। अब क्या करना है, 7 का 0 में 0 0 0, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, आप गुणा का निशान लगा दे, 4 की गुणा कीजिए, 4 6 24 हासिल आपका 2, 4 5 20, 20 और 2 22। अब इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन में, तो 2 का 2, 9 और 4 13, 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6 और ये 2, 26 32। अब देखो 6 3 2, 26 32, 26 32, तो 2 से 3 जगह है, लेकिन हमें दशमलव भी तो देखना अपना, ये डायरेक्ट भी हो सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट हो सकता है, पहले उसका चेक कर लें आप बेसिक। देखो 2 अंकों पर पॉइंट यहाँ है, 2 और 2 4 और 2 6, 6 अंकों पर क्या है, दशमलव है, लेकिन अंक तो कितने हमारे पास, 4 हैं, तो 1 2 3 4 5 और 1 0 और बड़ा है 6, और यहाँ क्या लगा दीजिए आप, पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट लगाया, तो यानी कि इससे पहले, पॉइंट से पहले आप 0 लगाओ तो लगा लो, अगर नहीं लगाना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0.00263 और एक की ऑप्शन है ऐसा 0.00263 या फिर देखो अब बिना सोल्व किए भी इसको कर सकते हैं, 2 अंकों पर पॉइंट यहां है और 4 अंकों पर पॉइंट यहां है, 2 2 और 4 6,
अब 6 अंकों पर पॉइंट चेक कर लो किसके अंदर है, तो इसमें तो 4 अंकों पर है तो ये तो बात बनेगी नहीं, इसमें 3 अंकों 4 पर है बात बनेगी नहीं, और इसमें 2, 4 और 2, 6 तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि क्वेश्चन को देखने से ही सोल्व हो सकता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, 17 मान लो इसमें पॉइंट नहीं है, एक सेकेंड के लिए सोच लिया पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है। देखो सारी गुना क्या है, 4, 9, 1, 3, 4, 9, 1, 3, 4, 9, 1, 3, 4, 9, 1, 3 ही चल रहा है, तो यानी कि 4, 9, 1, 3 तो राइट आंसर होगा। अब पॉइंट के स्थान का काउंट कर लीजिए आप, 1 और 2, 3 और 3, 6 और 6 अंकों पर जिसमें पॉइंट है, क्योंकि तो गुणा में क्या होता है दशमलव के स्थान जुड़ जाते हैं, तो सी ऑप्शन 2, 4 और 2, 6 यानी कि सी ऑप्शन क्या आपका राइट है। आप चेक कर लो कुछ सेकंड के लिए, आप क्या करो 17 की 17 से गुणा कर दो, यानी कि पॉइंट भूल जाइए आप, फिर बाद में अपने पॉइंट को याद कर लेंगे। 7, 7, 49, 9, 1, 4 हासिल, 7 एकम 7 और 4 11, अब 1 का 7 में 7 1, 9 7 और 1 8, 1 और 1 2, 289 बन गया, कितना बना भाई 289। अब इस 289 का 17 में आप गुणा कर लीजिए, 289 का किस में गुणा कर लीजिए, 17 में गुणा कर लीजिए। देखो 7 9 63 का 3 का हासिल 6, 7 8 56, 56 में 6 जोड़ो आपका 62 मतलब 6 और 2 तो 2 लिख दिया 6 हासिल के, 7 × 14, 14 और 6 20। अब क्या करो 1 की गुणा करो, 1 का 9, 1 का 2 मतलब 1 की गुणा 8 में 8, 1 × 2 सबको क्या कर लो जोड़ लीजिए, तो ये 3, 9 और 2 11, 8 और 1 हासिल का 9, 2 और 2 4 यानी कि 4913। देखो सब में 4913 तो बन ही रहा था, अब क्या है कि गुणा में क्या होता है दशमलव के स्थान जुड़ जाते हैं, 3 अंकों पर ये रहा, 2 अंकों पर ये रहा, 5 और 1 6 यानी कि 6 अंकों पर पॉइंट लगा दीजिए। अंक तो हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, अंक तो हमारे पास कितने हैं भाई, अंक तो क्या है हमारे पास 4 हैं, तो क्या करो आप 6 अंकों पर तो 2 अंक 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 और यहां क्या लगा दो आप पॉइंट, और पॉइंट से पहला आप 0 लगाते हैं तो लगा दीजिए क्योंकि ऑप्शन के अनुसार है, लेकिन इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ओनली क्वेश्चन को पूरा करने के लिए लगाई जाती है। 0.00493 यानी कि ऑप्शन सी क्या आपका परफेक्ट है। दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, कैसे पॉइंट के स्थान गिनकर 3 और 2, 5 और 1, 6 छह स्थान पर पॉइंट इसमें बनना है, तो यही आपका क्या है राइट आंसर है। दूसरा मेथड मैंने आपको मल्टीप्लाई वाला बताया, जो आपको बेस्ट लगता है उसको कर लीजिए, लेकिन पहले क्या है बेसिक पर ही मोस्टली चले आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आएगा, 3, 3, 3, 3, 3, 3 अब एक चीज देखो सब में 243 है, इसमें थोड़ा सा अलग है और इसमें भी 243 है, तो क्या करो इस 3 की गुणा करके देख लीजिए बस, ओनली किसी और की गुणा नहीं करनी, पॉइंट की गुणा नहीं करनी। देखो 3 का गुणा 3 से 3 3 9, 9 का फिर 3 से 27, 27 का फिर 3 से 81 भाई 3 3 की हम गुणा करते हुए चले। आर्मी के पेपर में आपके एक बार पूछ लिया था इस तरह का क्वेश्चन, 3 का 3 से गुणा 9, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और 81 का 3 में गुणा करो, 81 का 3 में गुणा करो, 81 का 3 में गुणा करो, तो 8 एकम 3 और 3 अट्ठा 24 देखो 243 ही बनना है भाई, यानी कि गुणा तो क्या बननी है 243, सारी 243 है छोड़कर एक को, तो यानी कि आंसर तो 243 तो बनना ही बनना है। अब किसी संख्या के पीछे 0 है क्या वो भी चेक कर लीजिए, एक संख्या के पीछे 300 के पीछे 0 है और कितनी है 2 तो लगा दीजिए आप, तो ये बन गया 243 और 2 0। थोड़ा सा ध्यान से समझे क्वेश्चन को क्योंकि डायरेक्ट में क्वेश्चन हो रहा है आपका ये। अब अंक पॉइंट के स्थान आप काउंट कर लीजिए, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 कितने 6 अंकों पर पॉइंट लगा दीजिए, इधर से काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5 भाई 0 भी काउंट करनी है क्योंकि अभी ये 24,300 बना हुआ है, 5 अंक तो हो गए, छठा 0 यहां लगा दीजिए और यहां इससे पहले पॉइंट लगा दीजिए आप। अब देखो ऐसा तो ऑप्शन 1 भी हमें नहीं दिख रहा है भाई, इसी तरह का क्वेश्चन एक बार पेपर में आ चुका है, अब इसको मैच कैसे करेंगे। देखो 0, 2, 4, 3
अब पॉइंट के बाद जब वैल्यू बढ़ी संख्या है और लास्ट में जब संख्या खत्म होगी और संख्या के बाद कोई जीरो है उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर मैच करो 0.0243 जीरो पॉइंट मतलब 0.0243 इसमें है लेकिन इससे पहले जीरो है तो इसको लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे क्वेश्चन को क्या करती है मतलब ऑप्शन से मिलाती है हमारे आंसर को। तो बी आंसर क्या आपका करेक्ट है। और बहुत से इस क्वेश्चन के अंदर गलती कर जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने क्वेश्चन को कि हमें गलती नहीं करनी। करना क्या है देखो, 3 * 9 * 27 * 81 * 243 देखो दोबारा चेक कीजिए भाई आप क्या किया मैंने, हमने क्या किया आप लोगों ने क्या किया, 3 * 9 * 27 * 81 * 243 बना, कितना बना भाई 243 बना हमारा। 243 बनने के बाद किसी संख्या के लास्ट में जीरो है तो लिख दीजिए। देखो 300 में 3 में लास्ट में दो जीरो दिखे मतलब 300 में लास्ट में दो जीरो हैं तो दो जीरो आप लगा दीजिए। अब काउंट कर लो दशमलव के स्थान, एक अंक पे यहां है, 1 और 2 3 और 3 छह अंकों पर दशमलव है तो 1 2 3 4 5 और 6 अंक हमने लगा दिया। और इससे पहले क्या कर दो आप पॉइंट लगा दो। अब हमारा ऑप्शन तो यहां कलेक्ट नहीं हो रहा है, ऑप्शन तो यहां कनेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या करें देखो 0.0243। अब जब पॉइंट लग गया और संख्या खत्म होगी और संख्या के बाद जीरो है उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे पहला पॉइंट से पहला आप एक जीरो लगा सकते हैं जिससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये क्या करता है हमारे ऑप्शन को मैच करा देता है और अपना ऑप्शन क्या है बी क्या है सही है। 90% बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होते हैं, एक दो बार इस तरह के क्वेश्चन को लिखो और इससे मिलते जुलते एक दो क्वेश्चन और आप लिखें तो आपके परफेक्शन आनी शुरू हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है 35, 15वां क्वेश्चन क्या है 35 + 15 * 1.5 यानी कि क्या हो गया पॉइंट वाले उसमें बोर्ड मास का नियम ऐड हो गया तो क्या करा 35 लिखा। अब 15 * 1.5 में आप गुणा कर दीजिए तो 15 की देखो 15 * 15 = 75 15 * 15 = 22 222 मतलब 225 और एक अंक पे पॉइंट था तो आपने लगा दिया तो क्या बना 22.5। 35 में क्या करा 22.5 को जोड़ लिया, 35 में क्या करा 22.5 भाई ऊपर पॉइंट नहीं था तो 35 के बाद पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दिया तो आपका आंसर हो गया 0.5। 5 और 2 = 7 3 और 2 = 5 57.5 क्या हो गया आपका सही आंसर और सी आंसर क्या हमारा राइट है। देखो नियम का यूज किसका हुआ बोर्ड मास का, बोर्ड मास का नियम का यूज हुआ, ब्रैकेट तो नहीं है ऑफ नहीं है डिवाइड नहीं है मल्टीप्लाई है 15 और 1.5 के बीच। जब 15 का 1.5 से गुना तो 22.5 बना। अब 22.5 में क्या करा 35 को जोड़ लिया तो बना कितना 57.5। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों तीन स्टेप हमारे क्लियर हो चुके हैं, दशमलव का प्लस, दशमलव का माइनस, दशमलव के गुणा और अब चलते हैं दशमलव के भाग पर। आपको क्या करना है दशमलव जहां दिख जाता है तो बच्चों को माइंड को डिस्टर्ब कर देता है, क्वेश्चन में हम लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। पहले क्या करें क्वेश्चन को लिखें उसको रिवाइज करें, क्वेश्चन को लिखो रिवाइज करो और बार बार रिवाइज करने से क्या होगा ये सोल्व होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर क्या है आपके बेसिक के चैप्टर चले हुए हैं, ये चैप्टर आपको लाभ हानि में, यही चैप्टर आपको लाभ हानि में प्रतिशत में या फिर साधारण ब्याज में या औसत में भी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर हमारा दशमलव सही आ गया तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 239 * 5। तो भाई देखो 239 को क्या करना है 5 से भाग करना है, 239 को 5 से भाग करना है। अब 5 का पाड़ा 2 में तो चलता नहीं, दोनों संख्याओं में चलता 23 में, तो 5 का पाड़ा 4 में 5 * 4 = 20 3 में से 0 गए 3 9 उतार लिया ऊपर से कितना होगा 39। अब 5 का पाड़ा 39 में चलो
5 × 7 = 35 और 5 × 8 = 40 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 × 7 = 35। अब 9 में से 5 गया तो 4 बचा, और यहां क्या किया, पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाने के बाद देखो कितना 4 बचा, इस 5 में 4 का पढ़ा नहीं चल रहा, तो क्या करा हमने, पॉइंट लगाया और 1 0 बढ़ा दिया, तो ये बन गया कितना 40। अब 5 का पढ़ा 8 में, तो 5 × 8 = 40, तो आपका आंसर कितना हुआ भाई 47.8। बी ऑप्शन क्या आपका करेक्ट, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। अब इसी तरह के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है देखो, बड़ी सी वैल्यू दे दी 132 को, 132 को क्या किया 0.006 से भाग किया। हाँ देखो इसको शॉर्ट ट्रिक भी है वैसे भी है, पहले क्या हटा लो, देखो 132 डिवाइड का मतलब, देखो डिवाइड का मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.006। एक छोटा सा वैल्यू देखें, अगर मान लो 12 का बटे 0.5 है, 12 का बटे 0.5 है, तो इसको क्या करो पॉइंट हटा लो, अगर पॉइंट हटा तो ऊपर 10 बढ़ जाती है। अगर सपोज ये होता 12 का बटे भाई एक बार समझे क्वेश्चन को, अगर होता 12 का बटे 0.05, अगर ये होता तो पॉइंट के बाद कितने अंक, 1 और 1 2, तो यानी कि 2 0 हम बढ़ा लेते, कितनी 2 0। देखो पॉइंट का 1 अंक था तो हमने 1 0 बढ़ाई, और 2 अंक थे तो क्या 2 0 बढ़ाई। ये मैं आपको एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ, 5 से काट लो 5 × 10 = 2 + 0 = 5 = 20, तो 24 क्या हो जाता आपका आंसर हो जाता। अब पॉइंट हटाया तो 2 0 बढ़ाई, 5 से काटा 5 × 10 = 2 = 5 = 20, तो क्या आंसर 240 का आया आपका आंसर है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, 132 का बटा 0.006। अब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो पॉइंट हटाया 1 2 3, 3 0 बढ़ गई, क्योंकि 3 अंकों पर पॉइंट है तो 3 0 बढ़ गई। अब सीधी सीधी संख्या बन गई 1 3 2, देखो 1 3 2 0 0 0, 6 से काट लो 6 × 12, 1 2, 6 × 1 2 3, जितनी 0 बची उतनी 0 लगा दो, और आपका आंसर क्या आएगा 22,000। और क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, 2200, 2222, 2020, क्वेश्चन में गलत होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो सिस्टमेटिक चलोगे तो क्वेश्चन सही होगा। एक बार दोबारा और देखें क्वेश्चन को आप दोस्तों, एक बार और देखें क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या किया, ओनली इसी क्वेश्चन को एक बार और देखो, क्वेश्चन में किया क्या भाई 132 भाई भाग का मतलब होता है बटे और 0.006, कि पॉइंट के बाद 1 2 3, तो पॉइंट हटाया तो मैंने यहां बताया था अगर पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 बढ़ जाएगी, 2 0 है तो 2 0 बढ़ जाएगी, अगर पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 0 बढ़ जाएगी, 3 0 बढ़ गई, तो 6 से इसको काटा 6 × 12, 1 + 2 = 12, डायरेक्ट भी आप काट सकते हो, तो 22,000 मतलब सी ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया 25 × 0.0005। अब देखो पॉइंट के बाद अभी तो बताया भाई आप लोगों को पहले क्वेश्चन में 1 2 3 4, तो पॉइंट हटाया 4 0, 1 2 3 4, 4 0 बढ़ गई। अब क्या करा 5 से काट लिया 5 × 5 = 25, और जितनी 0 बची उतनी 0 लगा दी, यानी कि 5 के बाद 4 0 और 5 के बाद 4 0, तो मतलब 50,000 हमारा क्या है राइट आंसर है, 50,000 क्या है राइट आंसर है। तो थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान से करें, इस तरह का क्वेश्चन इंडियन आर्मी में बहुत बार पूछ लिया गया है, बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। नेक्स्ट चले भाई 63 को क्या करना है 1000 से भाग करना है। इसके लिए मैं आपको 2-3 वैल्यू समझा रहा हूं, एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझें। अगर कोई इस तरह की वैल्यू आती है, मान लो सपोज देखो 63 का बटे 10 होता, अगर
63 का बटा 10 होता या 63 का बटा 100 होता या फिर 63 का बटा 1000 होता आपका वैल्यू। मतलब एक क्वेश्चन समझेंगे, अगर 63 का बटा 10 होता या 63 का बटा 100 होता या 63 का बटा 1000 होता, तो देखो नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो, तो इस संख्या को लिख दो, इस संख्या को लिख दो 63 और एक जीरो, तो एक अंक पर पॉइंट लगा दो, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 6.3। दूसरी कंडीशन समझे, 63 का बटा 100 कितनी जीरो, दो जीरो, तो वैल्यू को लिख दो 63 और दो अंकों पर पॉइंट लगा दो। इससे पहले आपको जीरो लगानी है लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अब कितने जीरो, तीन जीरो, तो क्या करेंगे हम, तीन मतलब 63 लिख दो और तीन अंकों पर क्या लगा दो आप, पॉइंट लगा दो, एक दो तीन, इधर ये जीरो बनाए, एक दो तीन। दूसरा तरीका क्या है, देखो 63 को हम क्या कर रहे हैं, 1000 से भाग कर रहे हैं, तो कितनी जीरो, तीन जीरो, तो 63 लिख कर तीन अंकों पर पॉइंट लगना, लेकिन अंक तो हमारे पास दो ही हैं, तो एक जीरो और लगा दी और यहाँ पॉइंट लगा दिया, इधर आपको जीरो लगाना है तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलें, या ऐसे चल सकते हैं आप, 63 का भाग 1000 से किया, देखो 63 छोटी वैल्यू है, 1000 से कभी भी नहीं कटेगी, तो क्या करो जीरो पॉइंट लगाकर एक जीरो बढ़ा लिया। अब 1000 का भाग 63 में नहीं होता, तो क्या करो एक जीरो और बढ़ाओ और इधर भी एक जीरो बढ़ा लो, 1000 का 6300 में भाग करो 1000 का, तो 1000 छक्का 6000, अब क्या बचा भाई 300 बच गया। अब पॉइंट बना हुआ है तो एक जीरो हम उतार सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक बार में हम एक जीरो उतार सकते हैं, अगर दूसरी जीरो उतारने तो दर से क्या करने पड़ेगा, जीरो लगानी पड़ेगी, तो 1000 का तीन बार 3000, तो आपका आंसर क्या 0.063 डी आंसर क्या आपका राइट है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, यह आपका आज का होमवर्क, एक बार चेक कीजिए, आपको खुद करना है, आपको एक से दो मिनट लगानी है इस पर, आपको खुद ट्राई करना है। चलो फिर भी देखता मैं ट्राई करके आपके लिए, 0.00033 और भाग करना है 0.01 और 1, यानी कि 0.11 से भाग करना है इसको। तो क्या कर सकते हैं आप, देखो पॉइंट हटाने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं कि पॉइंट हटाना, 100 की गुणा करना, 1000 की गुणा करना या किसी और वैल्यू की गुणा करना। अच्छा देखो, दो अंकों पर पॉइंट यहाँ है तो ये पॉइंट कट गया और दो अंक पीछे चला जाता है, यानी कि ये बन गया 0.0033 और भाग करना है किससे, 11 से। देखो नीचे दो अंकों पर पॉइंट है तो पॉइंट काट देता अपने, दो अंक पीछे पॉइंट चला जाता है। अगर तीन अंकों पर होता, अगर तीन अंक मान लो ऐसा होता 0.00033 और नीचे होता 0.011, तो क्या करता, तीन अंकों को काट देता, पॉइंट 1, 2, 3, 3 पीछे चला जाता। अब क्या करो, इसको इससे भाग करो, दो तरीके से कराऊंगा, पहले एक तरीका देखें, देखो 0 पाड़ा नहीं चलता तो 0, क्या तीन में पाड़ा चलेगा, जब नहीं चलता तो जीरो लगाया। अब 11 तीके कितना बना 33, तो 11 तिया 33, यानी कि 0.0003 क्या आपका परफेक्ट आंसर है। आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं इसको, 0.0033 11 से काट दिया, 0 पॉइंट पाड़ा नहीं चलता तो जीरो, नहीं चला तो जीरो, अगली वैल्यू ली 3, तो एक अंक में ये 11 है ये 3 है, पाड़ा नहीं चलता तो फिर जीरो लगाया, क्या किया जीरो लगाया और फिर अगली संख्या ले ली 11 तिया 33, तो कट गया 0.003 आपका क्या है आंसर राइट है 0.0003। यह आपका आज का दशमलव का बेसिक चैप्टर था। तो दोस्तों ध्यान रखें, आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, आपको बेसिक से शुरुआत करनी है और बेसिक से शुरुआत करते हुए प्लस माइनस गुणा और भाग, पहले आप प्लस माइनस गुणा और भाग सीखें इसकी, फिर इसके बाद जो आपका इसका थोड़ा सा बढ़ता हुआ लेवल आएगा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे उसको बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर, जिससे क्या होगा, पहले आपको इसको 1 से 2 बार रिवाइज करना है और जब रिवाइज कर लोगे तभी आपकी परफेक्शन आएगी। दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं और नीलेश भाई यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया है कि जो बच्चे
आज ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं, उनको मैथ्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जीके के लिए प्रॉब्लम होती है, तो हम ऐसे क्वेश्चन, ऐसा कंटेंट उनके लिए लेकर आएंगे जो पिछले 5 सालों में 7 सालों में पेपर में बना है या पिछले 1-2 साल में लेटेस्ट बना हुआ है, वो कंटेंट भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, जिससे क्या होगा, जो आपने सपना देखा है, जो अग्निवीर का सपना देखा है, जो आर्मी का सपना देखा है, वो आपका पूरा कराने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। बस एक वादा आप लोगों से लेते हैं, हम कभी पीछे नहीं हटने के, आप दोस्तों पीछे मत हटना, क्योंकि डिसीजन आपका है, वर्दी आपको चाहिए, और उस डिसीजन को हम लोग आपके साथ मिलकर पूरा करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।